नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार की और बात होगी कृषि यांत्रिकरण और प्रौद्योगिकी की। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय, इन पर आज आपको हम जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी, आप सहायक प्राध्यापक हैं कृषि अभियांत्रिकी के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर राजस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत उपेंद्र जी इस कार्यक्रम में। और जैसा हमने आपको कहा कि आज अगर बात की जाती है कृषि यंत्रीकरण की, ना सिर्फ हम सभी जानते हैं कि आज कृषि में मशीनों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है और किस स्तर पर इसका हमारे जो किसान हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डॉक्टर उपेंद्र आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम कृषि यंत्रीकरण की हम बात करते हैं इससे क्या समझा जाए? क्या सिर्फ वो मशीनें या कृषि उपकरण यंत्र जिनका इस्तेमाल हमारे किसान खेती के लिए करते हैं? जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है क्योंकि यहाँ आप देखें कि प्रायः ये सोचा जाता है कि कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी सिर्फ मशीनों से संबंधित है जी। ये मशीनों से संबंधित तो है, लेकिन इसमें आप देखें कि आप इसके कई भाग हैं, जैसे इनका ब्रांचेज भी कह सकते हैं कि जैसे कि आप जल एवं मृदा का संरक्षण करते हैं तो वो किन यंत्रों के द्वारा किया जाए और कैसे मृदा और जल का संरक्षण किया जाए, तो जिसमें ये मशीनें उपयोग में लाते हैं ये भी अपना कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित है जी। दूसरा, आप अपना अगर जुताई से लेके बाकी का जितना भी फसल कटाई तक है तो फार्म पावर एंड मशीनरी है, ये भी इसमें जितने भी उपकरण आते हैं ये भी अपना कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित है जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे अपना जितने भी आप भूमि और ये संरक्षण करने के लिए जल संरक्षण करते हैं, उसके बाद में किसान उस फसल को किस तरह से मूल्य संवर्धन कर सके, उसको कैसे वैल्यू एडिट कर सके और जिससे इनकम को जनरेट कर सके, ये भी हमारा कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित है। और सबसे ज़्यादा जो उपयोग आप कर सकते हैं कृषि अभियांत्रिकी का वो इसमें आता है कि सोलर पावर सिस्टम का, जो सूर्य की रोशनी से हम किन यंत्रों के द्वारा उस सूर्य को उपयोग करके, सूर्य की जो ऊर्जा को उपयोग कर सकें और किसान भाई इसका लाभ ले सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोलर, आजकल सोलर हीटर भी है, सोलर वाटर पंप भी है, सोलर कुकर भी है, यानी वो तमाम उपकरण जो सोलर पावर से हम चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी के सभी आप कृषि अभियंत्री से संबंधित है। बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं तो ना सिर्फ देखिए जो मशीनें बल्कि जो तकनीक, क्योंकि तकनीक जो है कहीं ना कहीं मशीनों पर पूरी तरीके से निर्भर हमें कुछ नज़र आती है। और आज के दौर की अगर बात करें तो जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं ना सिर्फ सीधे तौर पर मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, या हम प्रसंस्करण की तरफ भी अगर आगे बढ़ें तो जो प्रसंस्करण इकाई है हमारी वहाँ भी बड़े पैमाने पर जो मशीनें हैं इनका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कृषि यंत्र, कृषि उपकरण जो कि काफ़ी आकार में आपको छोटे भी नज़र आएंगे और काफ़ी बड़े भी नज़र आएंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल अब हम कह सकते धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि किसान के लिए काफी फायदेमंद है। और किस तरीके से सुविधा जो है कृषि यंत्रीकरण के जरिए हमारे किसानों को मिल सकेगी इसके बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी कृषि की परंपरागत तकनीकों के स्थान पर यंत्रों एवं कृषि उपकरणों का प्रयोग है। खेत में हल चलाने का कार्य ट्रैक्टरों द्वारा होना, बुआई व उर्वरक डालने का काम ड्रिल मशीन द्वारा किया जाना, इसी प्रकार फसल काटने का कार्य हार्वेस्टर या थ्रेशर से करना, सिंचाई कुओं और बैलों से ना करके पंप सेटों से करना आदि ही कृषि यंत्रीकरण है। इससे समय की बचत तो होती ही है, साथ ही कम मेहनत कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। भारी कामों को सरलता से कर पाना भी इससे संभव है। कृषि यंत्रीकरण न केवल इस प्रकार के बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण, रसायन और पानी, सिंचाई के रूप में विभिन्न आदानों के प्रयोग के लिए सक्षम आपूर्ति है। यह एक आकर्षक उद्यम खेती बनाकर गरीबी उन्मूलन में मदद करता है।
किसानों के आय में वृद्धि और यंत्रीकरण के कारण रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। इसके अलावा किसानों को फार्म मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा देश में कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, जो किसानों के लिए काफी मददगार हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी किसानों की आय बढ़ाने का एक बेहतर प्रयास है। तो जाना आपने किस तरीके से कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें कितनी मददगार ये साबित हो रही हैं हमारे कृषि क्षेत्र में, और खासतौर से एक सुविधा के तौर पर किसानों के लिए ना सिर्फ जो सुविधाएं हैं उनको काफ़ी सरल किया गया है, और अब तो अलग अलग स्तर पर अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर भी जो कस्टमाइजिंग केंद्र हैं वो खोले गए हैं, जिससे अलग अलग कृषि उपकरण या यंत्रों की बात की जाए या फिर जो बड़ी मशीनें हैं वो भी किसानों के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो किसान हैं उसका चौतरफा विकास हो और फ़ायदा उनको मिल सके। साथ ही इसी कड़ी में अगर हम यहाँ डॉक्टर उपेंद्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार की हम बात करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू और एक हम मान सकते हैं मील का पत्थर हमें नजर आता है जब किसानों की आय को दोगुना करने की बात हम करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे कृषि अभियांत्रिकी से आपने बाजार से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान हमेशा से खेती करता रहा है, लेकिन उसने अभी तक अपनी जो आय का है वो उसने कभी नहीं सोचा है कि हम उसको ज़्यादा बढ़ोतरी करें, वो सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकें जी। अगर इसी कड़ी में वो कृषि यंत्रों का उपयोग करें तो एक तो लागत में बढ़ोतरी होगी, दूसरा फसल परीक्षण के बाद में, फसल कटाई के बाद में आप अगर उस चीज़ का प्रसंस्करण कर सकें, तो प्रसंस्करण हम वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसका हम बाजार के भाव के हिसाब से या बाजार के माध्यम से उन फसलों का या जो भी हमारे पास फल हैं या सब्जियां हैं उसका मूल्य संवर्धन कर सकें, तो मैं कहता हूं कि आपका आय दोगुनी करने का जो सरकार का एक नजरिया है जी, वो 100% पूरा हो सकता है। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आप एक आंवले का लें या कोई भी फल सब्जी लें, तो जो एक उसका सीजन रहता है उस सीजन पे आप देखें कि अगर फसल ज़्यादा होती है तो उसका जो मूल्य है वो कम मिलता है जी, और कम होती है तो उसको ज़्यादा भाव मिलता है। अगर यहीं पे हम उस जो कम और ज़्यादा जो सीजन में उगाते हैं उसी का हम प्रसंस्करण कर लें, जैसे कि हम इस आंवले हैं तो उसका कैंडी बना लें, मुरब्बा बना लें, टमाटर है तो उसको सॉस बना लें, ऐसे अगर मूल्य संवर्धन कर सकें, मूल्य का बदलाव कर सकें, तो मैं कहता हूँ कि एक तो इसकी जो लाइफ है वो एक सीजन से दूसरी सीजन तक आप उसको उपयोग में ले सकते हैं, दूसरा आप देखें कि टमाटर है या ये अपना आंवला है जी, ये सीजन में तो 10 या 15 रुपए होता है, ज़्यादा 20 रुपए बिल्कुल, और आप अगर उसी चीज़ को आप देखें मूल्य संवर्धन या प्रसंस्करण करने के बाद में सॉस की एक बोतल आप लेते हैं तो वही 100-200 रुपए मिलती है जी, मुरब्बा है वो 150-200 मिलता है, कैंडी लें तो 300 तक, यानी मुनाफा जो है वो दोगुना चौगुना होता है, और जो आमदनी इसी तरह मान सकते हैं ना सिर्फ दोगुनी बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग विकल्प जो है हम मान सकते हैं, और खासतौर से इस तरह की सुविधाएं जो सरकार की तरफ से किसानों को लगातार मुहैया कराई जा रही हैं, तमाम वो योजनाएं जिनका फायदा हमारे किसान भाई ले पा रहे हैं, और लक्ष्य एक यही निर्धारित किया गया है कि साल 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो सके, उसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार की और किस तरह की भूमिका नजर आएगी इस पर भी आपको आगे हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान अपनी कृषि उपज हरियाणा में बेचना चाहे तो कृषि उपज को लाने ले जाने तथा विपणन आसानी से व कम समय में हो, इसका सीधा लाभ किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों को मिलेगा। बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद का व्यापार किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम देगा, वहीं व्यापारियों को भी कारोबार के अधिक मौके मिलेंगे। किसानों और व्यापारियों के बीच के इस कारोबार में स्थानीय कृषि उपज मंडी के हित को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरा व्यापार उसके माध्यम से ही होगा। किसान को राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से
कृषि उत्पाद की बिक्री में अधिक दाम मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार इसके माध्यम से साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत किसान ग्राहकों तक अपनी उपज सही दाम और बिना किसी बिचौलियों के सहायता के आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकेगा। तो जाना अपने राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में, एक ऐसी प्रणाली जिसमें जो बिचौलियां हैं उनकी बिल्कुल भी कोई भी जगह वहां पर नहीं है और पूरी तरीके से पारदर्शिता जो है वो यहाँ नज़र आती है, जिससे किसान को उसका शुद्ध लाभ यानी जो सीधा मुनाफा है, जो उसका असल हकदार है, जो किसान अन्नदाता सीधा उसके खाते में आ सके, ये प्रावधान रखा गया है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको ईनाम नाम से भी हम जानते हैं, और ख़ासतौर से अगर तमाम सुविधाओं को अगर देखा जाए यहाँ डॉक्टर उपेंद्र, क्योंकि सबसे पहले जो मशीनों की हम यहाँ बात कर रहे थे, जब यंत्रीकरण को हम देखते हैं काफ़ी बदलाव इसमें आया है, क्योंकि अब से 5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं और ख़ासतौर से 2009 से 2014 तक की अगर हम बात करें तो महज 10 लाख मशीनें थी जो जिनका वितरण किया गया सरकारी आंकड़ों पर अगर गौर डालते हैं, जबकि 2014 से 2019 तक के आंकड़े अगर हम देखें तो इस दौरान करीबन 29 लाख मशीनें वितरित की गई, यानी करीब तिगुना हम इसको मान सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो किसान है वो भी काफी जागरूक हो रहा है अब यंत्रीकरण के लिए। जी देखिए कि किसानों के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये होता है कि सीजन पे किसान या मजदूर नहीं मिल पाते हैं। जी आप उसको किस तरह से मशीनों से बदलाव कर सकें, आप देखिए कि कोई भी अगर जुताई के लिए हमें किसानों की ज़रूरत है या मजदूरों की ज़रूरत है तो मजदूर मिलते नहीं हैं। जी और वो मुंह मांगी पैसे भी मांगते हैं, तो उसके बदले अगर आप यंत्रीकरण पे जाएं, बिल्कुल उस क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से जाएं और वहां से अगर आप सलाह मशवरा करें या सलाह लें तो वो आपको यंत्रों की जानकारी भी देते हैं और यंत्रों को आपको आपको देने की कोशिश भी करते हैं, तो आप वहां से आप उपयोग कर सकें और ये चीज़ को आप दूर कर सकते हैं। यानी हम मान सकते हैं कि जो हमारी मशीनें हैं यंत्रीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके ज़रिए ना सिर्फ जो लागत है वो कम हुई है बल्कि कम समय में जो काम है वो जल्दी से निपट जाता है। और उदाहरण के तौर पर अब डॉक्टर उपेंद्र, हम जो हमारे कंबाइन हार्वेस्टर हैं इनको भी देख सकते हैं, गेहूँ या धान की जो उपज होती है काफ़ी बड़ा क्षेत्र हमें नज़र आता था और उसके लिए लेबर की काफ़ी दिक्कत होती थी, तो इस तरह की मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं कि लगभग एक दिन में ही काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी फसल की कटाई पूरी तरीके से और सुरक्षित रूप से हो जाती है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर हम सर के पूछना था सर कि राजस्थान सरकार कोई सब्सिडी देती है कि नहीं देती है थ्रेसर मशीन? चलिए बिल्कुल, देखिए जो अनुदान का विषय होता है जाहिर तौर पर राज्यों का विषय रहता है और खासतौर से थ्रेशर के बारे में ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र, राजस्थान की अगर बात की जाए तो क्या ना सिर्फ थ्रेशर बल्कि और भी जो मशीनें हैं किस तरीके की मदद एक किसान को मिल सकती है? देखिए किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राज्य से राज्य पर निर्भर रहती है, लेकिन जनरली आप प्रायः देखा जाए ये 40-50% तक अनुदान भारत सरकार देती है और राजस्थान की बात करें तो ये 40-50% के बीच में ही राज्य सरकार इस पे कोई भी आप यंत्र खरीदेंगे तो इस पे सब्सिडी देती है। बिल्कुल, यानी जो आपको आर्थिक मदद है एक वो ज़रूर मिल सकती है बशर्ते जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर लेनी होगी। और ख़ासतौर से जानकारी की अगर हम बात करते हैं यहाँ डॉक्टर उपेंद्र, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की भी अगर बात की जाए तो एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया था 585 मंडियों को इसके दायरे में लाने का, उस लक्ष्य को तय समय पर हम मान सकते हैं बल्कि उससे पहले ही जो लक्ष्य है वो हासिल हुआ और अब अगला जो लक्ष्य है वो और 334 मंडियों को जोड़ने का है, कितना लाभ इससे आपको लगता है किसानों को मिल पाएगा? किसानों को आप अगर सही तरह से अपनी फसल को काटने के बाद में मंडी में पहुंचते हैं तो भारत सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हुए हैं जी कि आपको फायदा होना ही होना है। आप बिचौलियों के बीच में फंसेंगे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किसान भाइयों को होता है, तो इससे बढ़िया है कि आप सीधा मंडी में भेजें और जो भारत सरकार या राज्य सरकार का जो रेट आपको दिया गया है वहीं बेचें तो 100% आपको फ़ायदा होगा।
जी बिल्कुल, देखिए इसका जो हम मान सकते हैं जो ज़्यादा फ़ायदा वो यही, क्योंकि अक्सर ये होता था कि हमारे क्षेत्र में हो सकता है किसी चीज़ का जो कृषि जीन्स है उसका भाव आपको कम लगे, लेकिन जो दूर दराज की मंडी है वहाँ पर भाव अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो आप घर बैठे ही आप इसकी मदद से ईनैम की मदद से आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्य जो हैं उनकी मंडियों में इस कृषि जीन्स का क्या भाव है और उसके अनुसार आप मुनाफा वसूली इसमें कर सकते हैं। साथ ही यंत्रीकरण को अगर हम देखें इस बारे में डॉक्टर उपेंद्र और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, खासतौर से अगर यहां बात करते हैं जो हमारे कस्टम हायरिंग केंद्र हैं उनकी कोशिश सरकार की तरफ से की गई, ना सिर्फ मशीनें जो वितरित हैं वो पहुंची बल्कि खासतौर से जो बड़ी मशीनें होती थी वो हम मान सकते हैं छोटे किसान की पहुंच से दूर मानी जाती थी, लेकिन इसके जरिए वो मशीनें भी अब किसान तक पहुंची हैं। बिल्कुल सभी, ये चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जितना भी है आप स्टेट में देखें राज्य में देखें तो कुछ किसान इस बारे में मशीनों को बनाने में भी सहयोग दे रहे हैं जी, और उन मशीनों की टेस्टिंग के लिए भी कुछ सेंटर बनाए गए हैं। और कस्टम हायरिंग की बात करें तो जो भारत सरकार के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी वहाँ पे इस चीज़ का प्रावधान रहता है। तो जो कि कस्टम हायरिंग का मतलब है कि आप मशीनें वहाँ दी जाती हैं सरकार की तरफ से जी, आप उसको एक रेट फिक्स रहता है उसको आप मशीन को आप ले सकते हैं और आप अपने काम में लेके फिर मशीन को वापस कृषि विज्ञान केंद्र में जमा करा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सुविधा तो इनके जरिए काफी होती है किसान को, लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षण की अगर हम बात करें वो कितना जरूरी, कोई भी कृषि यंत्र या उपकरण का हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जानकारी उसका प्रशिक्षण किसान को मिले। आप जब मशीनें कृषि विज्ञान केंद्र से लेंगे तो वहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हैं जी वो आपको उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, उसी के बाद में आपको मशीन दी जाएगी जी। और अगर वो किसान ये भी आग्रह करेंगे कि भाई इस मशीन के लिए हमें चलाने के लिए किसी आदमी को यहाँ से भेजा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र वो वहाँ के किसान को वो भी प्रोवाइड कराते हैं कि जो स्किल्ड पर्सन होगा उसको मशीन के साथ में आपके साथ में भेजेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें क्योंकि फसल की बिजाई से लेकर उसकी कटाई तक या उसके रखरखाव तक भी भंडारण तक भी जो तकनीक है मशीन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से हम अब देख सकते हैं हरित क्रांति के बाद जो हमारी मशीनें हैं उनका भी एक जो मशीनीकरण की जब हम बात करते हैं कितना बदलाव आपने देखा है यहाँ पर। पहले देखिए जो भी तरीका था वो देसी तरीका था जी, अब उसको बदल दिया है कृषि यांत्रिकरण से। तो इसमें आप देखें कि जो मजदूरी की बात करते हैं या फिर समय पे मजदूर न मिलना जी, या फिर आपके पास में जमीन ज़्यादा है तो उसके लिए आप मशीन का सहारा लेना जरूरी है। बिल्कुल, और आप यंत्रीकरण पे जाएंगे तो एक तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा और समय की बचत भी होगी, इसलिए ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि आप मशीनीकरण ने जमाना बदल दिया है और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है और उत्पादन में वृद्धि होती है किसान को मुनाफा होता है और इसके लिए ज़रूरी यही कि जो फसल हमारे किसान ने ली है जो उत्पादन हुआ है उसका सही दाम यानी एक उचित मूल्य जो है वो मिल सके, और उसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार हमारे पास है हम मान सकते हैं, और इसके लिए बाकायदा करीबन 434 करोड़ से ज़्यादा जो रुपया है वो अलग अलग राज्यों को वितरित भी किया गया है जिससे जो राज्य हैं वहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है पूरी तरीके से चलाए जा सकें। और खासतौर से डॉक्टर उपेंद्र अगर राष्ट्रीय कृषि बाजार को देखते हैं इनके संचालन की अगर बात की जाए क्योंकि किसान को पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी कि कैसे ऑनलाइन या हम एक पारदर्शी प्रणाली की जब बात करते हैं कैसे इस पे हम व्यापार कर सकेंगे, लेकिन अब जो डिजिटल इंडिया एक नया भारत जो है उसके जरिए ये भी हम संभव मान सकते हैं। बिल्कुल, आप देखें कि मोबाइल का उपयोग अधिकतर किसान करते हैं और भारत सरकार ने जो जगह जगह या तो कृषि विश्वविद्यालय या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जी या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार में कृषि के जो केंद्र बने हुए हैं विभाग बने हुए हैं वहाँ पे सुपरवाइजर के द्वारा किसान से जुड़ने की तकनीक बनाई गई है और एक किसान कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं जी। तो आपको कोई किसी तरह का मोबाइल से उपयोग करना है तो वो आप किसान कॉल सेंटर में फ़ोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और आप इससे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो ना सिर्फ निकटतम जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं बल्कि कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी जाके आपको इसकी जानकारी मिल सकती है, और जो 585 मंडियाँ जिनका पहले लक्ष्य रखा गया था ये लगभग 16 राज्यों में इनको स्थापित किया गया, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जिसमें 100 राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडियाँ जो हमारी हैं वो फिलहाल मौजूद हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहाँ पर लगभग 58 राष्ट्रीय कृषि बाजार जो हैं वो पूरी तरीके से विकसित हैं जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और इनके जरिए
अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं वो भी इनमें जुड़ते हैं, और ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं अलग अलग राज्यों की, यहाँ डॉक्टर उपेन, क्योंकि जो ना सिर्फ राष्ट्रीय कृषि बाज़ार बल्कि जो हमारा जब कृषि यंत्रीकरण की हम बात करते हैं तो लगभग हर एक राज्य में हमें एक इस तरह का संस्थान नज़र आता है कि जहाँ पर जो किसान हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, मशीनों के बारे में जानकारी दी जाती है। वहाँ कितना सरल अब किसान के लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आपने एक फसल ली है, अगर आपने पहले गन्ना लगाया था तो आप शायद गेहूं की खेती वहाँ पर काफ़ी समय बाद कर पाते थे, लेकिन अब मशीन के जरिए हम मान सकते हैं कि समय रहते ही आप अपनी गेहूं की खेती भी कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत सरकार ने सबसे अच्छा किया है कि बहुत ज़्यादा निर्देशित भी किया हुआ है कि कृषि विज्ञान केंद्र, मुझे लगता है कि हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध हैं और वहाँ पर जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं वो समय समय पर अगर ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होते हैं तो वो तो ठीक है, नहीं तो वो किसानों के पास में जाके इस बारे में जानकारी आपको दे सकते हैं और देते भी हैं। बिल्कुल, लगातार देखिए जो जानकारी है वो किसानों को मिल रही है, और इसी तरीके से जानकारी जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से भी हमारे किसान को मिलती है, और अब तक अगर देखा जाए तो करीब 1.66 करोड़ से ज़्यादा जो किसान और जो विक्रेता हैं यानी व्यापारी जो हैं वो राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जुड़ चुके हैं, जिसका फ़ायदा उनको काफ़ी मिल भी रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर एक चुनौती के तौर पर देखा जाए, डॉक्टर उपेंद्र, क्या लगता है, क्योंकि कई जगह किसानों का मानना ये है कि जो नई तकनीक एकदम से आती है उसको शायद अपनाना नहीं चाहते या कई तरह की भ्रांतियां वहां पर रहती हैं कि कुछ धोखाधड़ी उनके साथ ना हो जाए, ऐसे में कैसे हम जागरूक कर सकते हैं किसान को? इसके लिए सबसे जरूरी है जो जागरूकता के लिए कि आप अपनाएं ना अपनाएं, इसके लिए सबसे जरूरी है आप कृषि विश्वविद्यालय जो आपके नजदीक हो जी, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र, या यहां भी नहीं है तो हर जिले में कृषि विभाग रहता है और वहाँ पे कृषि अधिकारी मौजूद रहते हैं जी। आप बिना हिचकिचाहट के किसान भाई वहाँ जा सकते हैं और जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं या जो भी अधिकारी हैं वहाँ से पूर्ण जानकारी मिल सकती है, और इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं रहती, क्योंकि ये भारत सरकार से संबंधित रहता है। बिल्कुल, और जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ जो वैज्ञानिक हैं वो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट रहते हैं जी, तो जो भी जानकारी है आपके जिस विषय में है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में है या कृषि अभियांत्रिक में है या एग्रोनॉमी में है या फसल बुवाई से लेके कटाई तक जितने भी प्रक्रियाएं हैं उसके अलग अलग वैज्ञानिक वहां मौजूद रहते हैं, तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं जी। बिल्कुल, बुवाई और कटाई का आपने यहाँ हमें बताया, लेकिन इसके साथ साथ जब सिंचाई की खास तौर से हम बात करते हैं तो इसके लिए भी अलग अलग कृषि यंत्र जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका रखरखाव जो है वहाँ पर किस तरह का हम कह सकते हैं जो किसान हैं उसको इन कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले देखिए कि किसान भाइयों को ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी उपकरण हैं अगर आप अधिक लाइफ चाहते हैं, अधिक उसकी ज़िंदगी चाहते हैं तो सबसे पहले उसका रखरखाव ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन जी, तो आप सबसे पहले अगर उपयोग करने के बाद में उसको अच्छी तरह से साफ़ करें, साफ करने के बाद में उसको अच्छी जगह रखें, ऐसा ना हो कि वो धूप में पड़ा रहे और धूप की वजह से वो खराब हो जाए जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि उसको साफ करना और अच्छी जगह रखना, सुरक्षित जगह पे रखना जहाँ कोई उसको नुकसान ना कर सके, तो ये सब चीज़ें बातें कुछ ध्यान में रखने योग्य। चलिए बिल्कुल, और कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना होगा ये भी आपसे हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं जानना चाहता जी कि हम जो है ना कृषि यंत्रीकरण के लिए मैंने ऑनलाइन करवाया जी, लेकिन नहीं मिल सर पाया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे सर मिल पाएगी हम लोग कृषि यंत्रीकरण जी। बिहार में किस जगह से आप बात कर रहे हैं? मैं बिहार में वैशाली जिला से बात कर रहा हूँ। चलिए, वैशाली जिले से बात कर रहे हैं बिहार में डॉक्टर उपेंद्र, और क्योंकि अब कोशिश यही है कि पूरी तरीके से जो पारदर्शिता है वो आए, और ऑनलाइन प्रणाली की जब हम बात करते हैं जिसके जरिए माना जाता है कि काफ़ी सरल और सुविधा किसान को पहुंचती है, लेकिन वहाँ भी अगर किस तरह की समस्याएं आती हैं क्या ऐसे में किसान को करना चाहिए? मैं समझ नहीं पाया हूँ, कृषि यंत्रीकरण का रजिस्ट्रेशन जी, क्योंकि कई जैसे अगर हम कस्टम हायरिंग केंद्र की बात करते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन पहले जो रजिस्ट्रेशन है किसान को वो करना होता है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है आपको, अगर रजिस्ट्रेशन आप जाके कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। आप वहाँ आप जाएं अपना नाम और पता या जहाँ से आए हैं वहाँ आप लिखवाएं, ऐसा रजिस्ट्रेशन का कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है जी।
सरल प्रक्रिया है, आप जाएंगे तो वहाँ आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जब जानकारी की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ना सिर्फ जैसे अभी आपने सिंचाई का उदाहरण दिया कि जो हम रखरखाव कैसे इनका कर सकते हैं, और अब हम देखते हैं कि जो खरपतवार आते हैं फसल में उसकी रोकथाम के लिए भी हमारे पास अलग अलग जो उपकरण हैं, कृषि यंत्र हैं, वो हमारे पास रहते हैं, लेकिन इसकी जानकारी हर एक किसान तक कैसे पहुँच सकती है? मैं फिर से किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा और आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितना भी कृषि से संबंधित विषय है आपके क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है जी, आप वहाँ जाएंगे तो हर चीज़ के लिए कृषि वैज्ञानिक उपलब्ध है, आप वहाँ जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो यंत्र से संबंधित हो, मृदा से संबंधित हो, जल से संबंधित हो या प्रसंस्करण से संबंधित हो जी, वो संपूर्ण जानकारी बिना कठिनाई के आपको उपलब्ध कराई जाती है। जी बिल्कुल, और खासतौर से मृदा का आपने यहाँ जिक्र किया, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो हमारे किसानों को वितरित किए गए हैं वहाँ भी हम मान सकते हैं जो तकनीक है जो इस्तेमाल किया जाता है कृषि यंत्र उपकरण का, उसके जरिए भी रोजगार की संभावनाएं भी किसान के सामने रहती हैं। बिल्कुल, अगर कृषि अभियांत्रिकी यांत्रिकरण से आप देखें तो इसमें अपार संभावना है जी, आप कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक या परा स्नातक करना चाहते हैं तो पूरे देश में कई केंद्रीय विश्वविद्यालय और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उपलब्ध हैं जी, आप वहाँ जा सकते हैं, या आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ आप जा सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हिसार में ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर है जी, वहाँ आपको अगर किसी संबंधित यंत्र के बारे में आपको सीखना है जी, तो 15 दिन 30 दिन या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, आपको उसके बारे में बताया जाता है, या आप देखें CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल जी बिल्कुल, वहाँ भी आप जाएंगे तो इसी तरह के कोर्सेज चलते रहते हैं, साल भर कोर्सेज चलते हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में या आप उस मशीन के बारे में वहाँ जाएं तो वो संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके लिए वहाँ आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल, उसके जरिए भी आप या तो वहाँ अपने क्षेत्र में कृषि यंत्रों का दुकान खोल सकते हैं, या भारत सरकार ने भी कई मैकेनिकल या फिटिंग की या कृषि संबंधित यंत्र से संबंधित इस तरह के डिप्लोमा होने पे ही नौकरी का प्रावधान है जी, तो ये बहुत लाभकारी है। बिल्कुल, यानी आत्मनिर्भरता की ओर जो हमारे मान सकते हैं कृषि यंत्र जो उपकरण है, देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे किसान को आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में जो मशीनीकरण की जब हम बात करते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा इसके ज़रिए कृषि क्षेत्र को मिल सकेगा, ना सिर्फ विकास बल्कि जो विस्तार है वो दोगुनी गति से कृषि क्षेत्र का हो सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार और कृषि यंत्रीकरण के बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार, देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ईनैम और इसके साथ साथ कृषि यांत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी की किस तरीके से जो किसान हैं उनको हर तरीके की मदद पहुंचाई जा रही है और निर्भरता तो नहीं अभी तक आई लेकिन हम मान सकते हैं काफ़ी सरलता जो है सुगमता जो है वो किसान को हो चुकी है जब हम मशीनों के प्रयोग की जब हम बात करते हैं। लेकिन खासतौर से डॉक्टर उपेन्द्र जब दुर्गम इलाकों की हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र को अगर हम देखते हैं या शुष्क स्थानों को जब हम बात करते हैं वहाँ पर किस तरह का फ़ायदा जो हमारे कृषि यंत्रीकरण हैं इसके ज़रिए किसान को मिल सकता है। देखिए जहाँ एरिड या सेमी एरिड रीजन है जो क्षेत्र है वहाँ पर आपने देखा होगा कि पानी की कमी है जी और पानी की जहाँ कमी है उस पूरे देश में जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ पे आप देखें कि आज से बरसों से एक ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि आप जिस प्रकार से सिंचाई करते थे उसमें तो आपने ट्यूबवेल चलाया और पानी को एक साथ छोड़ दिया नालियों में, सतही सिंचाई में। सतही सिंचाई में जी। दूसरा ये देखें कि आप ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन आप दोनों ही देखें, चाहे पहाड़ी हो चाहे दुर्गम क्षेत्र हो, वहाँ कहीं भी ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्लेन एरिया ही होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन देखते हैं तो वहाँ से 65% से 80% पानी की बचत होती है जी। तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिकरण का एक ये अमूल्य वरदान है पानी को बचाने के लिए। बिल्कुल, यानी मशीनों के जरिए एक हम मान सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो पानी को बचाने के लिए भी है और ना सिर्फ पानी को बचाया जाता है बल्कि जो हमारे लगातार जो किसान कठोर परिश्रम करते हैं कोशिश है कि उनको भी थोड़ी सी सुगमता उनके कार्य में हो सके, उनको भी जो कोशिशें लगातार की जाती हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके और इसके ज़रिए खासतौर से राष्ट्रीय कृषि बाज़ार को अगर हम देखें तो वहाँ भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। खासतौर से लगभग 150 से ज़्यादा कृषि जींसें हैं जो कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के तहत जिनकी खरीद फरोख्त की जाती है और इसमें अगर हम बात करें यानी खाद्यान्न या दलहनी फसलों को देखें तो लगभग 25 कृषि जींसें ऐसी हैं जिनका व्यापार इस पर किया जाता है। तिलहनी फसलों की अगर बात करें तो इसमें करीबन 13 तिलहनी फसलें हैं जिनका व्यापार हमारे किसान और जो व्यापारी इस पर रजिस्टर्ड हैं वो करते हैं जिसके ज़रिए फ़ायदा अब एक किसान को पहुँच रहा है क्योंकि सीधा मुनाफा जो है वो किसान को मिल जाता है और इस मुनाफे को बढ़ाने के लिए या हम कह सकते हैं इस मुनाफे को और आगे तक अगर हम लेके जाना चाहते हैं तो मशीनें वहाँ हमारे सामने होती हैं कृषि करण जब हम देखते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर उपेन जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है जिसको हम इनाम किसानों के लिए कहते हैं इसके जरिए जो हमारा किसान है वो स्मार्ट तो हुआ ही है लेकिन जब स्मार्ट फार्मिंग की हम बात करते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि बिना मशीन के जो एक किसान है वो शायद स्मार्ट फार्मिंग अधूरा सा है। आप देखें कि स्मार्ट फार्मिंग अपने भारतवर्ष में बहुत ही कम लेवल पे उपयोग हो रहा है जी। आप विदेशों में देखें एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है भारतवर्ष में वो अभी अभी आंशिक फार्मिंग और या कहें हमें अभी पार्शियल मैकेनाइजेशन हुआ है जी। कंप्लीट मैकेनाइजेशन भारतवर्ष में अभी भी नहीं आया। पार्शियल मैकेनाइजेशन में आप देखें कि कुछ क्षेत्र हिसार या पंजाब में आपने देखें कि बड़ी बड़ी कंबाइन का उपयोग करते हैं जी। लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में देखें कि एक तो छोटी लैंड होल्डिंग है, बिल्कुल सबके पास में कम जमीन है, छोटी जोत है जी। तो इसलिए जो यंत्रों का उपयोग हम कर सकते हैं तो वो जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कृषि अभियंता हैं जी उनको चाहिए कि मशीनों का जो बड़े प्रकार हैं उनका समावेश करके छोटों में उपयोग करें जी। तभी हम इसको अच्छी तरह से यांत्रिकरण का योगदान दे पाएंगे भारतवर्ष के लिए जी। बिल्कुल, और बेहतर ढंग से हम मान सकते हैं जो योगदान है वो हमें नज़र आ सकता है जब हम बात करते हैं कृषि यांत्रिकरण में मशीनों की, कृषि यंत्रों की और उपकरणों की। क्योंकि अब हर एक कार्य के लिए हम मान सकते हैं डॉक्टर उपेन्द्र के कोई ना कोई कृषि यंत्र या जो कृषि उपकरण है वो हमारे पास उपलब्ध है। जैसा आपने कहा कि बुवाई से लेकर कटाई तक की हम बात करें, सिंचाई की हम बात करते हैं, खरपतवार की रोकथाम की हम बात करते हैं या फिर किसी भी जो दवा के छिड़काव की बात की जाती है उसके लिए भी तमाम अलग अलग जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, वो हमने रोटर के अच्छे कगड़ डाला था जी, तो उस पर सब्सिडी मिलती नहीं मिलती? किस जगह से आप बात कर रहे हैं? अकोला है, महाराष्ट्र जी। अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं डॉक्टर बेन, और जैसा क्योंकि मशीनों का आप कह रहे थे कि राज्य का भी विषय रहता है जब अनुदान की हम बात करते हैं, लेकिन
जी बिल्कुल। तो एक किसान जो है कहाँ पर, वो क्योंकि अगर कृषि विज्ञान केंद्र में कभी कभी होता है कि जो अनुदान की जानकारी है किसान को बोला जाता है कि जो आपके जिला कृषि अधिकारी हैं आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, ऐसे में किसान को क्या ऑनलाइन सारी जानकारी अगर मुहैया हो जाए तो किसान को आसानी हो सकती है या कुछ और कृषि अधिकारी जिनका वो रुख कर सकता है? किसी भी राज्य में देखें किसी में 40% 45% या 50%, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि 40 से 50% किसी भी राज्य में इससे ज़्यादा नहीं है जी, 40 से 50% के बीच में ही अनुदान दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि 40 से 50% के बीच में ही आपको कृषि यंत्रों पे अनुदान दिया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए जो अनुदान राशि है वो अलग अलग है, ना सिर्फ केंद्र सरकार जिसका वहन करती है बल्कि जो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि कृषि राज्य का विषय और जब अनुदान की बात आती है तो अलग अलग राज्यों में, क्योंकि हमारे देश में जो हम मान सकते हैं विविधता बहुत है, उसके अनुसार भी जो अनुदान राशि है वो किसानों को मिल पाती है। लेकिन विविधताओं के बावजूद भी डॉक्टर उपेंद्र हम मान सकते हैं कि जो मशीनें हैं वो ज़रूर कामयाब नज़र आती हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका प्रशिक्षण की मदद हम कह सकते हैं आए कृषि अभियांत्रिकी के तहत जो विशेषज्ञ हैं उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि जो किसान है उस तक ये मशीन पहुंच सके जिससे उसके कार्य में और सरलता आ सके। हाँ बिल्कुल, किसान भाई जब तक यांत्रिकरण से संबंधित नहीं रहेंगे जी तब तक व्यय कम होगा और उत्पादन जितना आप चाहते हैं उसकी मूल्य नहीं मिल पाएगी किसानों को। तो जब यांत्रिकरण से संबंधित रखेंगे तो मूल्य की बढ़वार ज्यादा होगी, समय की बचत कम होगी और जो उनको आय चाहिए वो ज्यादा होगी। तो इसलिए यांत्रिकरण आपको करना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल। लेकिन कभी कभी जो किसान है उनका सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जब हम लागत कम करने की बात करते हैं, मुनाफा हमें अपना अगर बढ़ाना है तो कुछ मशीनें जो हैं उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा भी रहती है, ऐसे में क्या एक विकल्प किसान चुन सकता है? इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हर राज्य में आजकल किसान उत्पादन और जो कृषि के अलावा कृषि यंत्रों का भी उत्पादन कर रहे हैं जी, और उनका सर्टिफिकेशन आप जैसे हिसार में है ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर है या CIA भोपाल है, वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाते हैं, जो प्रमाणित संस्थान है वहाँ से वो प्रमाणित करने के बाद में वो कम मूल्यों पे इन यंत्रों का किसानों को देके इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से हम मान सकते हैं जो कीमत है उसको भी कम रखा गया है और उसके साथ साथ जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं वो भी एक कोशिश यही है कि जो किसान हैं उसको इस्तेमाल कर सकें, उस मशीन का इस्तेमाल कर सकें, भले ही उसकी कीमत ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पर जो खास तौर से FPOs हैं यानी हमारे जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनको भी सरकार लगातार मदद मुहैया करा रही है। अगर आप समूह में हैं, संगठन में हैं तो आपको और ज़्यादा मदद यहाँ पर दी जाती है, अनुदान राशि जो है उसका प्रावधान रखा गया है जिससे एक मशीन का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर सकें और अच्छा उत्पादन जो है या गुणवत्ता युक्त उत्पादन जो है वो आपको मिल सके। साथ ही राष्ट्रीय कृषि बाजार की अगर बात की जाए, जैसा कि हमने इसमें बताया आपको, लगभग 150 से ज़्यादा कृषि जीन्स हैं, कॉमोडिटीज़ हैं जिनका व्यापार किया जाता है, और इसमें अगर फल सब्जियों की अगर बात की जाए तो लगभग 40 ऐसी सब्जी फसलें हैं जिनका व्यापार राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत किया जा रहा है, जबकि 29 ऐसी हमारे फलों की अगर हम बात करें जिनका जो बाज़ार है वो लगातार अब राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के तहत ही होता है। और सबसे पहले अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश सोलन की अगर बात की जाए जो कि सेब के लिए एक बड़ी मंडी जानी जाती है, तो इस राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के तहत सेब का जो व्यापार है सबसे पहले वो शुरू किया गया था इस पर, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचा था। ना सिर्फ सेब बल्कि जो अन्य फल हैं उनका भी व्यापार किया जाता है, और ख़ासतौर से मसालों की अगर बात की जाए डॉक्टर उपेंद्र, क्योंकि हमारे शुष्क क्षेत्रों की भी अगर बात करें, राजस्थान की जैसी जलवायु है वहाँ भी हमारे जो किसान भाई हैं कई तरह के मसालों का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी कभी उचित मूल्य नहीं मिल पाता, ऐसे में राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है एक बेहतर विकल्प ऐसे किसानों के लिए? जी देखिए, किसान भाइयों के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि उत्पादन करना ही अकेला आय में वृद्धि करने के लिए नहीं है जी। आप जब तक फल और सब्जियों का या मसालों का प्रसंस्करण नहीं करेंगे तब तक जो उत्पादन और जो आय जी उसका बराबरी नहीं हो सकती। आप प्रसंस्करण करेंगे तो उसके बारे में आपको 100% आय दोगुनी या चौगुनी या छगुनी मैं कह सकता हूँ वो चीज़ आपको मिल सकती है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि सीजन पे मिर्ची लीजिए जी 10-20-50 रुपए किलो, और वहीं आप पैक
जो डिहाइड्रेट जो सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं जी, उसका आप 100 ग्राम का पाउच देखिए, वही 150 रुपए का मिलता है जी। तो आप इसका अंतर समझ सकते हैं कि जो सीजन पे आपको 10 रुपए है और प्रसंस्करण करने के बाद में अगर उसको सुखा के उसको डिहाइड्रेटेड करके उसका पाउडर बना लें तो वही उसकी कीमत आप देखिए 10 गुना होगी जी। बिल्कुल, 1 किलो अगर पाउडर लेंगे आप तो उसकी कीमत में और जो आपके सीजन में जी, तो उसमें कई गुना अंतर है जी। तो जो भारत सरकार का एक सपना है कि आप आय में किस तरह से दोगुनी आय कर सकें किसानों की, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रसंस्करण ही अकेला ऐसा माध्यम है जी, जहाँ किसानों की आय करने के लिए ये एक रामबाण इलाज है जी। चलिए, बिल्कुल एक बेहतरीन विकल्प हमारे सामने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? कोशिश हम कर रहे हैं इनसे बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल संपर्क इनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन किसानों की अगर बात की जाए, उनका संपर्क लगातार हम मान सकते हैं, ना सिर्फ राष्ट्रीय कृषि बाजार से जिसके तहत अलग अलग जो कृषि जींसे हैं उनका व्यापार किया जाता है, और खासतौर से मसालों की हम यहाँ बात कर रहे थे राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत, तो यहाँ पर लगभग 14 ऐसे मसाले हैं जिनका व्यापार इस पर किया जाता है। इसके अलावा अन्य 29 लगभग ऐसी हमारे कृषि जींसे हैं जिनका व्यापार सफलतापूर्वक राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत किया जा रहा है, जिसका फायदा लगातार किसानों को भी मिल रहा है। और आने वाले समय में लगभग डॉक्टर उपेंद्र अगर देखा जाए, जो हमारे ग्रामीण हाट होते हैं, जो गांव में हाट होता है, कोशिश ये की जा रही है कि उनको भी जो हमारा राष्ट्रीय कृषि बाजार है उससे जोड़ा जा सके। ये किस तरीके से देखते हैं आप इस पहल को? ये एक अच्छा प्रश्न है, और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बना लिए जाएँ जी, तो कृषि अभियंत्रण से मैं इसको संबंधित करना चाहूँ, तो जो मशीन की कीमत है उसको अगर 10 लोग मिलकर अगर उसको वहन कर सकें जी, तो चाहे वो खेती के लिए हो या प्रसंस्करण से संबंधित हो जी, उस मशीन को आप लेंगे तो एक तो वो हिस्सेदारी में बढ़ जाएगा बिल्कुल, और जहाँ पे आप जैसे कस्टम हायरिंग करेंगे या प्रसंस्करण से उसका उपयोग करेंगे तो उसमें से जो मुनाफा होगा वो एक दूसरे के साथ में बढ़ भी जाएगा जी। और दूसरी बात ये भी है कि जो भारत सरकार इसमें सब्सिडी देती है उससे उनको एक तो जो उसका उपकरण है यंत्र है उसकी कीमत आधी हो जाती है जी। तो जो भार वहन करने का है वो चीज उनमें बढ़ जाएगी, तो इसलिए मामूली सी रकम एक दूसरे के हिस्से में आती है जी, और उसका मुनाफा ज्यादा कमा सकते हैं, यानी जो रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा, बिल्कुल, हम बिल्कुल, कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अलग अलग, क्योंकि जो हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो भी इन तमाम बातों के बारे में सोचते हैं कि कैसे जो नुकसान है उसकी संभावना को वो कम से कम रख सकते हैं, और उसके लिए हम मान सकते हैं जो हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं, FPOs हैं, या स्वयं सहायता समूह की अगर बात की जाए जिसके ज़रिए किसान जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकजुट रहते हैं, उसका फ़ायदा उन्हें समूह में भी मिलता है। मशीन जो है अगर आप उसको खरीदते हैं तो वहाँ भी अनुदान का प्रावधान रखा गया है, और यहाँ ना सिर्फ मशीनों का एकीकरण हो रहा है बल्कि राष्ट्रीय कृषि बाजार को अगर देखें, जो आवश्यकता थी एक देश एक मंडी की, वो एक सपना साकार होता हमें यहाँ नज़र आता है। लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए डॉक्टर उपेंद्र, क्योंकि मशीनों में लगातार बदलाव हम देखते हैं, एक हस्त चलित मशीनें भी हमारे पास हैं, तो विद्युत चलित मशीनें जो हैं वो भी हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, आने वाले समय में किस तरह का बदलाव या जो नई तकनीक की बात हम कर सकते हैं वो किसानों के पास उपलब्ध हो सकेगी? जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कृषि यंत्रीकरण एक माध्यम है जी, इसमें आप देखें पुराने जमाने से लेके अभी तक कई तरह के बदलाव हो चुके हैं। पहले हल बैलों से हल चलते थे जी, अब वो डीजल और पेट्रोल से चला के ट्रैक्टर में तब्दील हो गए हैं बिल्कुल। आने वाला समय अगर हम इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में अगर उन्नति चाहते हैं बिल्कुल, तो एक मैं शब्द का प्रयोग करना चाह रहा हूँ, स्मार्ट फार्मिंग जी, ठीक है ना, तो स्मार्ट फार्मिंग का दिनों दिन उपयोग होगा। स्मार्ट फार्मिंग से मैं इसमें चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि कंप्यूटर से या मोबाइल से जी, या आपको सिंचाई करनी है तो लेबर की कमी है तो आप उस कंप्यूटर बेस बना दें, दूसरा आपको छिड़काव करना है तो ड्रोन के द्वारा खेत को फर्टिलाइजर दे सकें जी, या आप देखें कि कभी कभी पशुओं से या और किसी चीज़ से खेती को नुकसान होता है जी, तो वो ड्रोन आप खेत के ऊपर रखें जिससे इसकी निगरानी की जा सकती है कि कोई आपका फसल को बर्बाद ना कर सके, तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में होने जा रही हैं। आप स्मार्ट फार्मिंग का उपयोग करेंगे तो
किसान भाइयों को इसमें लाभ मिलेगा। स्मार्ट फार्मिंग उससे पहले मान सकते हैं जो किसान है वो हमारा काफ़ी स्मार्ट हो सकेगा, और जैसा आपने कहा कि जो हमारी सरकार है वो भी इस मशीन का लगातार सहारा लेती है, खासतौर से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत जो नुकसान का आकलन है वो बाकायदा ड्रोन से भी किया जाता है, यानी जल्द से जल्द अगर हमें आकलन करना है तो उसमें भी मशीनें लगातार मदद कर रही हैं हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खासतौर से जब मशीनों की हम बात करते हैं, ना सिर्फ काम को हल्का किया जा रहा है, जो समय है वो कम से कम लिया जाता है और काफ़ी सरलता के साथ सुगमता के साथ जो किसान हैं उनका काम भी हो जाता है, और आने वाले समय में जैसा कि डॉक्टर उपेंद्र ने कहा कि लगातार जो तकनीक है उसमें बदलाव आता है, कोशिश यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो बदलाव है इसमें अगर आता भी है तो किसान इस तकनीक को बेहतर ढंग से अपना सकें, समझ सकें, और उसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं वो संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं, और खासतौर से जब जानकारी की बात की जाती है तो राष्ट्रीय कृषि बाजार भी एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म मान सकते हैं जिसके जरिए किसानों को जानकारी दी जाती है। ना सिर्फ पहले लगभग 585 मंडियों को इसमें जोड़ा गया बल्कि जो अब अगला लक्ष्य रखा गया है 334 मंडियां और इसमें जुड़ेंगी, यानी 900 से ज़्यादा जो मंडियां हैं वो पूरे देश में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत जुड़ सकेंगी, और आने वाले समय में लगभग 22,000 जो कृषि हाट हैं उनको जोड़ा जाएगा, जिससे एक किसान की जो फसल है या जो उसका उत्पादन है वो ना सिर्फ अगर वो किसान जम्मू में है तो जम्मू से लेकर कुमारी तक का वो भाव जान सकता है कि कहां पर ज्यादा भाव आपको मिल रहा है और वहां पर आप अपनी फसल को फिर आने वाले समय में बेच सकेंगे। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ भाई साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ अमेठी से। जी हेलो। जी सुन पा रहे हैं आपको। हम जैसे धान की कटाई करना चाहते हैं जी, तो छोटा सा मशीन कौन सा ऐसा है जो हाथों द्वारा चला कर काटा जाए, इससे मजदूरी बहुत चला जाता है कटाई से। चलिए बिल्कुल यही बात हम यहाँ कर रहे थे डॉक्टर उपेंद्र, और देखिए जो किसान है वो भी ये मानते हैं इस बात को कि बड़ी मशीन की जगह कोई ऐसा हम मान सकते हैं सस्ता विकल्प, जैसा उन्होंने कहा हस्त चलित कोई मशीन हो जिसको हमारे किसान अपना सकें और जिसकी जो कीमत है वो भी हमारे जो किसान हैं उनके लिए ठीक ठाक रखी गई हो। देखिए अभी हस्त चलित तो सिर्फ जो हसिया है उसी को आप यूज कर सकते हैं, बाकी के जो छोटे लेवल पे हैं इस तरह की अभी कोई मशीन नहीं है। बड़े लेवल पे तो हार्वेस्टर्स हैं लेकिन छोटे लेवल पे अभी नहीं है इस तरह की मशीन। जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम बात करते हैं अपने देश की, तो क्या आपको संभावनाएं यहाँ नज़र लग आती हैं कि जो हमारा मशीनीकरण की जब हम बात करते हैं वहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव सिर्फ मशीनों में किया जाए या किसानों के स्तर पर भी जो बदलाव है वो हमें आने वाले समय में करना होगा? इसमें सर देखिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी, दूसरा आप मशीनों के संस्थान हैं वो जगह जगह या फिर जिलेवार उसको खोला जाए जी, जिसमें इस तरह की पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास में छोटी जोत है तो उसी तरह के कृषि यंत्रों का भी निर्माण किया जाए जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बड़ी जोत है नहीं जी, या फिर ऐसा किया जाए कि 10-15 किसान हैं उन किसानों की जमीन को उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाए और उस पूरी की पूरी जो फार्मिंग है उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बदल के उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाए कि भाई इसमें से इतनी फसल हम उगाएंगे और उसका जो मुनाफा है हम आपको उस हिसाब से बांटेंगे। जी बिल्कुल, तो ये देखिए जो ना सिर्फ हम ये मान सकते हैं अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए जो मुनाफा है वो आपका बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, और जो नुकसान है वो पूरी तरीके से यहाँ पर संभावना बेहद कम हो जाती हैं, जो आपका नुकसान है वो नहीं होगा। अगर किसी वजह से नुकसान कुछ होता भी है तो वो तमाम जो किसान हैं उनमें उसका अनुपात जो है बांटा जाता है, जिससे एक किसान को अगर देखा जाए तो नुकसान का अनुपात है वो बेहद ही कम नज़र आता है, लेकिन जो मुनाफा है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर उपेंद्र जाना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं ना सिर्फ में बुआई से लेकर कटाई तक बल्कि जब भंडारण की भी हम बात करते हैं तो वहाँ भी अलग तरह की तकनीक जो है वो हमें नजर आती है, आने वाले समय में क्या यहाँ भी किसानों के लिए कुछ रोजगार की संभावनाएं हैं या इस तरह का जो मैकेनिज्म है या मशीनीकरण है वो हमें नजर आएगा जो किसानों को मदद कर सकेगा भंडारण में भी? बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण विषय भी है कि फसल कटाई के बाद में उसको रखरखाव कैसे करें जी, तो जितने भी तरीके हैं देसी तरीके काफी हैं, जैसे कि कोठार हो गया या बिन हो गई, उनमें रख के जो किसान भाई उसको संरक्षित करते थे, लेकिन अभी अपने ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्होंने भी पूसा बिन बनाई है या फिर मॉडिफाइड करके जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं जैसे कि स्टील की टंकी हो गई उसमें रख के इन कीटाणुओं से या फिर जो फसल बर्बाद होने से कटने के बाद में इसमें रख के आप बचा सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए तो भंडारण की अगर बात तक की जाए, क्योंकि एक प्रमुख समस्या के तौर पर किसानों के सामने ये रहता है कि कैसे जो उत्पाद है उसको बचाया जाए, और जब हम उत्पादन तो कर लेते हैं फल या सब्जियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता रहती है कि जो शीत भंडारण की एक सुविधा है वो किसान के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध हो। और हाल ही में अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर लगभग 11 ज़िलों में 23 ऐसे गोदाम थे जिनको अब आने वाले समय में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया जाएगा राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत। यानी ये 23 गोदाम एक मंडी के तौर पर एक काम करेंगे। यानी जो पहले किसान को चिंता होती थी कि भंडारण गृह से पहले उत्पाद उसको लाना होगा फिर बाजार लेके जाना होगा, अब सीधे वहीं से वो अगर चाहें तो उसका व्यापार कर सकेंगे, और जिसके जरिए लागत जो है किसानों की काफी कम आएगी। और ना सिर्फ अभी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश में हुई है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में और जो अन्य राज्य हैं उसमें भी इसकी शुरुआत की जाएगी। और खासतौर से डॉक्टर उपेंद्र, अगर देखा जाए, क्योंकि हमने भी कोशिश की, जो दर्शक हमारे अलग अलग मशीनें जो हैं लगातार वो अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए, लेकिन जो एक कहा जाता है कि सीधे तौर पर एक प्रयोगात्मक रूप से किसान देख सके, उसके लिए हम देखते हैं कि जो कृषि मेले हैं उनका आयोजन होता है, जो प्रदर्शनी है वो लगातार लगाई जाती हैं, तो इनमें क्या आवश्यकता है, क्या और ज़्यादा इनको बढ़ाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान बाकायदा खुद से मशीन का जो इस्तेमाल है वो देख सकें। देखिए, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि मेले या कृषि प्रदर्शनी का जो भी सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि संस्थान साल में 2-4 बार करते हैं जी, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आप प्रदर्शन करते हैं लेकिन जब किसान कोई अच्छी फसल पैदा करता है या अच्छी तरह से फसल उत्पादन करता है या ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है जी, तो उसको और कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों से जोड़ना भी अति आवश्यक है। अगर ये चीज़ प्रक्रिया जोड़ दी जाए जी, किसानों को विश्वविद्यालय और किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों से जी, तो इनका आदान प्रदान हो जाए, क्योंकि किसान अपना जो कार्य करता है वो पूरी की पूरी तरह से प्रयोगात्मक होता है, प्रैक्टिकल जी बिल्कुल, और जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय हैं वो काम होते हैं कि आपका शिक्षित तरीके से। लेकिन इस कड़ी के बीच में चुनौती क्या नजर आती है आपको, आखिर क्या वजह है कि जो ये अभी कड़ी है, जो माध्यम है उसको और मजबूत बनना होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, इसको मजबूत करना ही पड़ेगा अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो किसानों को जो विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, और कृषि विज्ञान केंद्र या संस्थान हैं उनको किसानों से जुड़ना होगा। ये जब तक एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तब तक इसमें उन्नति होना संभव नहीं है जी, अगर मुश्किल मान सकते हैं, मुश्किल है जी। और अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे, जो लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया है सरकार ने जी बिल्कुल, अगर उस चीज को अगर जोड़ दिया जाए तो जो प्रगति है वो कई गुना आगे बढ़ जाएगी जी बिल्कुल। यानी हम मान सकते हैं, देखिए जो एक पहल है वो किसान भी हमारे करते हैं, एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा और कदम आपको आगे बढ़ाना होगा अपना, जिससे जो सरकार का भी अब कोशिश यही है कि जो सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं वो आपको अपने गांव में ही मिलें, यानी जो योजनाओं का लाभ है वो किसान के द्वार पर ही आपको अब मिल सकता है। और इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम मशीनीकरण की जब बात करते हैं, यांत्रिकरण को हम देखते हैं, तो ना सिर्फ मशीनों का लाभ किसानों को मिला है या मिट्टी की जाँच, अगर छोटा सा विषय है ये, अगर मिट्टी की जाँच की भी बात की आती है तो पहले किसान को दूर दराज जाना पड़ता था, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनका रुख करना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए जो मोबाइल वैन है उनकी शुरुआत कर दी गई। यानी अब ये सुविधा जो किसान हैं उनके गांव में ही उनको मिल जाती है, उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की कई ऐसी सुविधाएं हैं जो लगातार किसानों को मुहैया कराई जा रही हैं। जैसा डॉक्टर उपेंद्र ने बताया, अगर सिंचाई की खास तौर से हम बात करते हैं, यानी और इसमें सूक्ष्म सिंचाई की अगर हम बात करें, ड्रिप की अगर हम बात करते हैं, फव्वारा विधि या बूंद बूंद टपक सिंचाई विधि, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये भी अब पूरी तरीके से हम मान सकते हैं जो किसान है इस बात को समझने लगा है, जानने लगा है, उनके भी एक कोशिश है कि ना सिर्फ अपनी लागत को हम करें कम कर सकें बल्कि जो हमारे जो संसाधन है पानी की अगर बात की जाए उसकी काफ़ी हद तक बचत हम कर सकते हैं। और शुरुआत में जो उदाहरण यहाँ डॉक्टर उपेंद्र आपने दिया था उसको एक भविष्य के तौर पर भी हम मान सकते हैं, जो हम सोलर पावर की हम लगातार बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ एक सीमित संसाधन हमारे जो हैं उनका लगातार इस्तेमाल तो हो लेकिन एक सदुपयोग अगर किया जा सके उसके लिए अब किसान भी जागरूक हो चला है। बिल्कुल हो चला है, काफ़ी आप देखिए काफ़ी हद तक जो भी, एक तो भारत सरकार भी सब्सिडी देती है, दूसरा ये देखिए कि आप किसान बिजली पे निर्भर न रह के आप सोलर सिस्टम पे ज़्यादा निर्भर रह रही है जी, और जितने भी राजस्थानी इलाके हैं, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, उदाहरण लेना चाहूँगा कि यहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा है जी, तीव्रता ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देखें कि जो सोलर वाटर हीटर हैं
सोलर कुकर हैं, सोलर पंप हैं सिंचाई के लिए, ये सभी का सभी उपयोग किसान करने लगे हैं और धीमे धीमे इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये जितने भी कृषि उपकरण हो या सोलर उपकरण हो, इन पे सब्सिडी लगातार जारी है। चलिए बिल्कुल, देखिए इस पे लगातार अनुदान जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है और आने वाले समय में जो मशीनें हैं उनका प्रयोग हम मान सकते हैं किस तरीके से बढ़ेगा। फिलहाल डॉक्टर उपेंद्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं आप भी बेहतर ढंग से जान पाए होंगे ना सिर्फ राष्ट्रीय कृषि बाजार बल्कि इसके साथ साथ जो कृषि यांत्रिकरण की हम बात कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी कैसे पूरा एक समावेश जो है वो कृषि क्षेत्र में अब हमें नज़र आ रहा है, जिसका फ़ायदा और किसानों को नहीं और जो हमारे बल्कि अब तमाम किसान हैं उनको आने वाले समय में मिल सकेगा। अब चलिए आपको जो कल का विषय है वो भी हम बता देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे टमाटर की रोपाई, उसकी देखभाल और बात होगी खरीफ फसलों में रोग और कीट प्रबंधन को लेकर। तो कल का विषय तो आपने जाना, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अलग अलग कोशिश हमारी यही होती है जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हेलो किसान के ज़रिए हो सके, और इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके माध्यम से आप अपना सवाल या सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही आप फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और यहां भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, जी हाँ, आप किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइंस खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। एक बार फिर मैं नंबर दोहरा देता हूँ, 1800-11-3060। तो जाना आपने, अलग अलग माध्यम आपके पास हैं जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।